हाय, एज अ डॉक्टर मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर ऑपरेशन के बाद हम कब से अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक्चुअल पेशेंट्स बट कि यूट्यूब पे आप लोग ने भी कई बार ऐसे कमेंट्स किए हैं और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आज डिटेल में इस वीडियो में देना चाहूँगा। तो जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी की बात आती है ऑपरेशन के बाद, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं, कुछ सजेशन हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ जिसके जो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमको ध्यान रखनी है ऑपरेशन के बाद अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने के लिए, वो ये है कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है। आपकी बॉडी आपको अपने आप बताएगी कि कब उसको दुखना बंद हो गया है और कब आप धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। उसमें याद रखने वाली बात यह है कि आपको कोई भी एक्टिविटी को इमीडिएटली शुरू नहीं करना है और कोई भी तरीके से जल्दीबाजी नहीं करनी है अपनी एक्टिविटी शुरू करने के लिए। आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, सपोज आपका ऑपरेशन आज हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आप धीरे धीरे बाथरूम जाना फिर से शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपने किचन में काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपना ऑफिस जाना शुरू करेंगे, और ये सब को स्टेप वाइज मैनर में करना पड़ेगा ओवर अ फ्यू वीक्स। जनरली आजकल ये करने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज आजकल हर चीज़ इंस्टेंटली करने का समय है। लोग चाहते हैं कि आज ऑपरेशन हो जाए, कल मैं अपना ठीक हो जाऊँ, परसों मैं ऑफिस चला जाऊँ, सैटरडे टू संडे सब एकदम निपट जाए। बट अनफॉर्चुनेटली अपनी बॉडी बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, कई हज़ारों करोड़ों सालों से यही मॉडल चलता आ रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू गेट एडजस्टेड टू योर लाइफस्टाइल आफ्टर, स्पेशली इफ यू हैव अंडरगॉन अ सर्जरी। सो माय एडवाइस वुड बी टू स्टार्ट योर फिजिकल एक्टिविटी ग्रेजुअली एंड लिसन टू योर बॉडी कि कब आपको कंफर्टेबल लग रहा है, तभी आप अपनी एक्टिविटी शुरू कीजिए। द नेक्स्ट फैक्टर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि आपकी कौन से टाइप की सर्जरी हुई है। इसमें बात आती है ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की, यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ है, अगर आपका कोई जॉइंट का ऑपरेशन हुआ है, तो आपको वापस अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए एंड स्पेशली अंडर गाइडेड सुपरविजन शुरू करनी चाहिए, यानी कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेके या किसी ट्रेनर की मदद लेके जिसको कि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है। द थर्ड क्वेश्चन जो कि विच इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड कि हम योगा या एक्सरसाइज कब शुरू कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि योगा या एक्सरसाइज ऑप्शनल फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आपको ऑफिस जाने का काम नहीं है या आपको कोई किचन में खड़े होकर काम करने वाली चीज़ नहीं है जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, तो कोई जल्दीबाजी मत कीजिए इन चीज़ों को शुरू करने की। एक बार आप अपनी बेसिक एक्टिविटी जो है वो ठीक से कर पाएँ, तो ही आप सोचिए कि हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कि योगा हो गया, जैसे कि प्राणायाम हो गया, या जैसे कि जिम जाना हो गया, वो शुरू करें। अनदर वेरी कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इज दैट कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं, यानी कि जो पुलिस वाले भर्ती के टेस्ट है या जो आर्मी वाले टेस्ट है, उनमें हम कब से पार्टिसिपेट करें। तो अगेन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसका भी कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। हाउएवर, अगर आप ऐसे कोई टेस्ट में जाने वाले हैं और अगर आपके पास ऑप्शन है सर्जरी को प्लान करने का, तो आप कम से कम 1 से 2 महीने पहले अपनी सर्जरी प्लान कीजिए, जिससे कि ऑपरेशन के बाद आपको सफिशेंट समय मिल पाए अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सॉफ्ट टिश्यूज़ की ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और ऐसे ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं जिनको कि प्लान किया जा सकता है, इमरजेंसी ऑपरेशंस नहीं। फॉर एग्जांपल हर्निया का ऑपरेशन, हाइड्रोसील का ऑपरेशन, पाइल्स का ऑपरेशन, फिशर का ऑपरेशन, या कोई स्वेलिंग हो गई बॉडी में उसका ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए तो लगभग 1 से 2 महीने में रिकवरी पूरी तरह अच्छे से हो जाती है और आप अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। जहाँ तक जिम ज्वाइन करने की बात आती है, जैसा कि मैंने बताया, एक बार आपकी बेसिक एक्टिविटी हो जाए, एक बार आप बेसिक चीज़ें करने लगे, रोज़मर्रे के काम करना, 2-व्हीलर चलाना, 4-व्हीलर चलाना, तो ही आप अपना एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जिम जाने के बाद भी आपको पहले दिन से ही नहीं शुरू कर देना है सुपर हैवी वेट उठाना, जैसे कि आप ऑपरेशन के पहले करते होंगे। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी बॉडी को चांस दीजिए एडजस्ट होने का, तो ही आपकी रिकवरी अच्छी हो पाएगी और अपने कॉम्प्लिकेशन से दूर रहेंगे, दोबारा हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफिस कब से जाएं, 2-व्हीलर कब चलाएं, 4-व्हीलर कब चलाएं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपका कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है जो कि पैरों का है, जो कि हाथों का है, जिसकी वजह से आप व्हीकल नहीं चला सकते हैं, तो बट ऑब्वियस है आपको वो रिकवरी पूरी तरीके से होने का चांस देना पड़ेगा, तो ही आप कर पाएंगे। हाउएवर, इमीडिएटली आपके ऑपरेशन के बाद आप अवॉइड कीजिए कोई भी व्हीकल चलाना या कोई भी ऑफिस जाने का, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करना, स्पेशली हैवी मशीनरी का काम, बिकॉज कई दवाइयों की वजह से हो सकता है आपको नींद आने लगे, एंड इस वजह से अगर आप अपना नहीं तो अपने आजू बाजू वाले उनका भी नुकसान करेंगे। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली एंड इन डिटेल अबाउट
when can you start physical activity after your surgery? इससे ज़्यादा अगर आप कुछ जानना चाहते होंगे तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर कर दीजिए जो भी ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। I'll see you again in the next video. Live healthy, live smart.